लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में इकट्ठे हुए अखिल भारतीय मदरसा आधुनिक शिक्षक संगठन के लोग और यहां पर इनकी मांग है कि इनको वेतन करीब 2 वर्ष से नहीं प्राप्त हुआ। इसको लेकर ये धरना प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में थे लेकिन अनुमति नहीं मिली। मुस्लिम रजा साहब चलते जो उनका कहना है कि जब जल्द सुनवाई नहीं हुई तो जल्द छोड़ेंगे बड़ा आंदोलन। हमारी इनके अध्यापक आधुनिकीकरण टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है, इनके टीचर भुखमरी के शिकार हो गए हैं। शासन का कहना है कि जांच अंतर्गत जो है होने के बाद इनको वेतन दिया जाएगा, जिसमें आज आए तो महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था, इनको अनुमति नहीं मिली। तो इनके साथ समस्त जनपद से कुछ पदाधिकारी आए हुए थे मौसम रजा के साथ साथ जो है ये GPO पार्क में हजरतगंज में इस समय उपस्थित है और इनसे मैं कुछ बात करूँगा, मदरसा के मुतल्लिक बातें होंगी। मेरे बीच में मौसम रजा साहब जो है मदरसा मॉडर्न टीचर का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ लोगों की एक महीने की अगर तनख्वाह रुक जाती है तो उनके घरों में लाले पड़ जाते हैं, आज हमारे मदरसा शिक्षक 40 महीने की तनख्वाहें उनकी रुकी हुई हैं, वो भी मामूली मानदेय है। जिस महंगाई के दौर में एक मामूली मानदेय पाने वाले टीचर्स जो 40 महीने से भूखा है उसकी घर की स्थिति क्या हो सकती है ये सारे लोग जानते हैं। आज सारे टीचर्स इन मानदेय को लेकर के अपने परिवार की पीड़ा को लेकर के अपने बच्चों की दवाई के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होकर के बहुत सारे हमारे टीचर्स गाजीपुर में उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ करके दूसरी रोजी रोटी तलाश ली। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी केंद्र में भी सरकार है। इससे पहले हम लोग जब अपनी पीड़ा ले जाते थे तो लोग कहते थे कि केंद्र में उनकी सरकार है वहाँ जाइए, केंद्र वाले के पास जाते थे कहते थे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है उनके पास जाइए, एक फुटबॉल बना करके यहाँ। तो ये समस्या जो सपा हुकूमत से ही आपके साथ चली आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या चाहे जो किसी की भी सरकार हो, केंद्र में कांग्रेस सरकार। मुस्लिम रजा साहब जो है सपा की हुकूमत में ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह आपके साथ हैं, मुल्ला मुलायम कहा गया, तो क्या सपा हुकूमत में आपके साथ क्यों भावनात्मक तकलीफ दी गई? हमें तो नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, हमारे लिए जब नहीं कि यहाँ 30,000 पूरे उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षक भूखे पड़े हुए। मुझे वो दिन याद है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था, सारे टीचर यहाँ भूखे थे, भूखे लक्ष्मण मेला मैदान में गंगा के किनारे पड़े थे। और जब 31 जुलाई का प्रकरण है, 38 दिन का था, 18 दिसंबर का था, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता था 2014 में जी, उसमें हमारे मंत्री जनाब आजम खान साहब ने मुझे जब अपनी बात रखने की मैंने कोशिश किया कि यहाँ टीचर भूखे पड़े हुए हैं, आप इनको इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे RSS और विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बनने करना किताब दिया। तो मैं कैसे कह दूँ कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए या मदरसों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली थी, हमें तो जब 2 वक्त की रोटी उसने नहीं दिया। समझ में आया कि अपना व्यक्तिगत लाभ किए आजम खान का व्यक्तिगत लाभ, आपसे लाभ ले लिए लेकिन आपका कोई लाभ नहीं। हम लोग तो बढ़ चढ़ करके उनको समर्थन किया, उनकी सरकार बनाई और जब उनकी सरकार आई तो लगा कि हम लोगों का बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी विगत कुछ दिनों पहले जुलाई माह में 2017 में बरसात के दिनों में एक आपका जो है बहुत आक्रामक धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन था, 38 दिन तक आपका रहा है। आपका धरना के आश्वासन पे खत्म हो गया था कि कोई मांग मान ली गई थी आपकी? जी, उस वक्त तो कुछ मांगे मान ली गई थी लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। अच्छा, अगर मौखिक थी कि रिटर्न में थी? उसमें तो रिटर्न में कुछ हुआ है, कुछ मौखिक हुआ, जैसे उन्होंने कहा था कि आप घर चले जाइए, नियमावली नवंबर तक बन जाएगी, तो अभी तक नियमावली कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरी चीज, राज्यांश के मैटर पर जब हम लोग 38 दिन धरने पर थे और 38वां दिन उन्होंने राज्यांश जारी किया था, तो वो अब आप सोच लीजिए कि जुलाई का महीना अगस्त के महीने में राज्यांश जारी होता है और आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यांश पहुंचा हुआ है लेकिन किसी खाते में, किसी टीचर खाते में पैसा नहीं पहुंचा है और लगभग 50 जिले आज भी ये तो शासन की समस्या है नहीं, ये तो जिला स्तर की समस्या है।
डीएमओ की समस्या है। डीएमओ का कहना है कि शासन स्तर से हमें ये कहा गया है कि जब तक जो है जांच प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक इसका वितरण न किया जाए। जांच अगर करने में अगर उनको 2 साल लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 साल तक उनका वेतन जिले पर पड़ा रहेगा। या आप इनसे बातों से स्पष्ट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में ये एक नियम होता है कि सस्पेंड कर दिया जाता तब भी उनको आधा वेतन दिया जाता, लेकिन एक अलग एक नियमावली बना दी गई कि जांच हो जाएगा इनके बच्चे भूखों मरते रहेंगे, सल्फास खाने पे मजबूर हो जाए। क्या इसको मैं ये मानूं मुस्लिम रजा साहब की क्या व्यक्तिगत कोई आपके साथ कोई रंजिश मदरसा आधुनिकरण के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम और भी है, बेसिक है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको महसूस होता है कुछ? जी मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विभागें बहुत हैं, संस्कृत में हैं, माध्यमिक हैं, वहां भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है वो ऐसा ही लिख रहा है कि स्पेशली मदरसों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन हमें जांच पर आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो हक पे है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, वही उनका पैसा है, न वो खेती कर पाते हैं न कहीं वो दूसरा काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं, उनका मानदेय रुकना नहीं चाहिए। 15 दिसंबर का आपका धरना का समय रहा है, समस्त जनपदों को आपने व्हाट्सएप और मोबाइल से आपने सूचना दे दिया था, आपके पास कोई आदेश नहीं था, प्रमाणित आदेश नहीं था पेपर में, चूंकि आज आपका धरना स्थल समाप्त हो गया तो अब आपके कर्मचारी और आपके पदाधिकारी घर के लिए कुछ करेंगे, तो आने वाला दिन आपका कोई निर्धारित समय है कब आप रखेंगे? अच्छा, मेहदी हसन साहब प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, वो इस बात पे स्पष्ट शब्दों में बताएंगे। हम लोग 1993 से नियुक्त हैं और काफ़ी दिनों से जद्दोजहद अपना कर रहे हैं, बार बार सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन के नाम पे टाल दिया जाता है। हम लोग दिल्ली जाते हैं वहाँ भी यही बात होती है, कभी कभी ऐसा भी समय है 3-3, 4-4 साल का पैसा रुकता है, उसमें बीच में सरकारें यह करती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से ऑडिट और यूसी नहीं आने के कारण आपका पैसा लैप्स किया, कई सत्रों का पैसा लैप्स हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पे 2012-13 का 25 से 30 हज़ार टीचरों का पूरे सत्र का पैसा नहीं दिया गया। अब हम लोगों कहना का मतलब ये है कि आपका आने वाला कौन सा डेट होगा जो अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे? सर ये देखिए, हम लोग ये जान गए हैं कि सामने बजट पेश होने वाला केंद्र सरकार का और जनवरी महीना लगने वाला है, हम लोगों को अब डर सता रहा है कि जैसे भविष्य में हम लोगों का पैसा लैप्स हो गया है, ऐसे 40-40, 49-49 महीने का बकाया अभी तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को एक डर पैदा होगा अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। इसलिए हम लोगों ने आज तय किया सारे पदाधिकारियों ने कि आज अगर धरना नहीं देने दिया जा रहा है तो 8 जनवरी को युद्ध स्तर पर तैयारी करके पूरे प्रदेश से भारी संख्या में लखनऊ में पहुंच करके हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, उससे चूकेंगे नहीं। सिद्ध हो गया कि इनका जनवरी 8 जनवरी को धरना पड़ना था, अनिश्चित काल को होगा। हमारे बीच में आपको बता दूं कि आधुनिकरण टीचर पोस्ट ग्रेजुएट MSc पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मात्र 8,000-6,000 पे केंद्र शासन सरकार की एक नीति थी उसके अधीन जो आधुनिकरण टीचर मदरसा में रखे गए हैं, ये 8,000-10,000 पे बरसात। हमारे बीच में जनपद चंदौली के अध्यक्ष महोदय अंसार खान जो कि उतनी दूर से अपने धूमिल कदमों से लखनऊ में प्रस्थान कर चुके हैं, और इनसे 2-3 बातें मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे आने का क्या मकसद रहा है? मकसद ये रहा है कि आज धरना का डेट रखा गया था, वो किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गया है, और धरना में यही उद्देश्य था रहा कि जो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उस पैसे को जल्द से जल्द देने का कष्ट। आपके जिला पे तो कुछ पैसे मिल गए हैं कुछ मदरसे में? कुछ मदरसों का पैसा दे दिया गया है और कुछ मदरसों का भी नहीं दिया गया है। जैसे कुछ मदरसों में नहीं मिला, क्या वो जाँच के घेरे में है क्या मदरसे? हाँ, जाँच तो सभी मदरसों का किया जा रहा है, प्रदेश सरकार का ये नीति है, पता नहीं क्यों सिर्फ मदरसों का ही जांच हो रहा है, बाकी किसी संस्था का जांच नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं देश सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसकी भी दोष मानेंगे हम, और प्रदेश सरकार का भी दोष मान रहे हैं हम, और ज़िले में बैठे अधिकारियों का भी दोष है जो इस काम को जल्दी से जल्दी कर नहीं पा रहे हैं। आपका कहना है कि केवल मदरसा में ही जाँच हो रही है, ये एविडेंस आपका सही नहीं, जाँचें हर स्तर से हो रही, जो निर्दोष हैं उनको सजा मिल रही है। मदरसा का मतलब है कि मदरसा केवल आप अपने लाभ के लिए चला रहे हैं,
रहे हैं या तालीम के लिए चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आजम खान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब 300 रुपया दिया जाता था तो बच्चों को तालीम दी जाती थी, आज 46,000 रुपया हो गया है लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे, CBSE पैटर्न में पढ़ रहे हैं, इस पर दो शब्द बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब पैसे जब प्राइवेट लोग पढ़ाते थे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, और जब यही लोग तनख्वाह बढ़ जाती है तो पता नहीं क्यों मनमाना हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मनमाना हो जाने का कारण ये नहीं कि सिर्फ उनकी दोष है, ये पूरे सिस्टम का दोष है, उसमें कहीं ना कहीं मैनेजर का भी दोष आता है, कहीं ना कहीं मिलाजुला के मुलाजिम हो, गवर्नमेंट मुलाजिम हो जाते हैं तभी दिक्कत हो जाती है। मेहदी रजा साहब कुछ कहिए। सर आज हालात जब से स्कीमें आई हैं, आप लोग भी मदरसे में जाते हैं, तमाम अधिकारी भी जाते हैं, लेकिन ये आज भी जो वहाँ के मदरसों की स्थिति है, मदरसों में जो बच्चों की संख्या है, ये जो टीचर हैं बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, पैसे कभी मानदेय समय से आज तक पाए ही नहीं, भूखों प्यासे रह करके तालीम दिए हैं, जिसका उदाहरण है। मैं मेहदी रजा साहब बता दूँ कि सहारनपुर का मदरसे में 91 मदरसे में से 17 मदरसे ब्लैक लिस्टेड हो गए, शायद उसमें भी आधुनिक टीचर पढ़ाते होंगे, हो सकता है कि आपके बीच वो खड़ा हो जाए कि मेरा मान्यता चला गया, तो उसमें दोषी कौन, आप ही के बीच का दोषी तो होगा। ऐसे लोगों का हम लोग जो है मदद नहीं करेंगे, अगर दोषी है तो उनको हटाया जाए। एक बात और है सर, अभी श्रम मंत्रालय से एक आदेश पारित हुआ है कि संविदा या मजदूर या कोई मानदेय पे नियुक्त है उसका सैलरी 24,000 से कम नहीं होना चाहिए इस महंगाई में, और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने भी कहा कि ये क्या संविदा कर्मी होते हैं, क्या मानदेय वाले होते हैं, इनको एक समान कार्य समान वेतन, जो संविधान में व्यवस्था है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। ये कैबिनेट की बातें हैं, मैं अपनी बातें खत्म करते हुए कैमरामैन अवधेश के साथ इरशाद खान, एंटी करप्शन न्यूज़ 24।